हाय गाइस, आई एम दिव्या एंड यू आर मोस्ट वेलकम ऑन दिस चैनल एस्थेटिक दिव्या। तो आज का जो वीडियो है वो एक हॉल वीडियो होने वाला है, बट जो नॉर्मल चीज़ें मैं आपको दिखाती आई हूँ डेकोर और होम ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, उससे थोड़ा डिफरेंट है ये वीडियो। होम से रिलेटेड ही है बट डेकोर टाइप का कुछ नहीं है यहाँ पे। तो बेसिकली ये होम इम्प्रूवमेंट या होम यूटिलिटी वाली जो चीज़ें होती है, जो होम असेंशियल होती है, हर घर में होने ही चाहिए, वैसी टाइप की कुछ चीज़ें। कुछ गार्डन असेंशियल्स है, अगर आप गार्डनिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो उस टाइप की चीज़ें हैं, प्लस थोड़ा बहुत गार्डन से रिलेटेड ही स्टेप्स है। तो बेसिकली इस वीडियो में होम इम्प्रूवमेंट रेंज है, सारे प्रोडक्ट मैंने फ्लिपकार्ट से लिए हैं। फ्लिपकार्ट वाइड रेंज ऑफ कलेक्शन है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, जेन्युइन ब्रांड्स है एंड सारे फ्लिपकार्ट अश्योर्ड ब्रांड्स है। सो लेट्स सी मैंने क्या क्या शॉपिंग की है। तो पहली चीज़ जो है वो है ये बैम्बू प्लांट हैंगर। ये मुझे काफ़ी डिफरेंट लगे और अच्छे लगे एक्चुअली ना। इसके मैंने ऐसे हॉरिजॉन्टल वाले काफ़ी देखे हुए हैं, बट ये वर्टिकल में है, तो कोई भी छोटा प्लांट आप इसमें डाल सकते हैं। और जो प्रोपोगेशन के लिए जो ग्लास की बॉटल्स आती है प्लांट प्रोपोगेशन के लिए, आप वो भी इसके अंदर डाल के प्रोपोगेशन के लिए रख सकते हैं। तो काफ़ी क्यूट से मुझे लगे। सेट ऑफ टू है, 300 रुपीज़ के आई गेस। तो क्वालिटी वगैरह अच्छी लग रही है, इट्स नाइस। फ्लिपकार्ट पे ना मस्ट हैव गार्डनिंग प्रोडक्ट्स जो हैं वो अंडर 499 रुपीज़ है, सो डू चेक दैट आउट। तो जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो अगेन गार्डनिंग से रिलेटेड है। तो ये सेट ऑफ 4 गार्डनिंग टूल्स है। तो इसमें एक ये है ऐसे ऐसे करने के लिए, मुझे एक एक का इंडिविजुअल नाम इतनी टेक्निकलिटी नहीं पता है। ये भी है मिट्टी को ऐसे करने के लिए, ये है एंड एक ये है, ये प्लांट कटर है, प्लांट की जो आप ऐसे कटिंग लेते हैं ना वो है, लेट मी शो यू। तो ऑब्वियसली आप सीजर से काट सकते हैं बट ये ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि सीजर से कई बार एक बार में नहीं कटता है एंड फिर जो कटिंग है ना वो उतनी अच्छी नहीं निकलती। अगर आपको उसको फिर से प्रोपोगेट करना है तो एक बार में कटी हुई जो कटिंग होती है वो ज़्यादा अच्छी होती है, ऐसा मुझे लगता है वॉट एवर। और सीजर कई बार मोटे स्टेम है तो उस पर काम नहीं करती है, तो ये बेस्ट रहता है। तो ये सेट ऑफ 4 मुझे मिले हैं 229 रुपीज़ में, तो काफ़ी अच्छी डील थी आई गेस। नाउ जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये होम असेंशियल से रिलेटेड है, ये वोल्टेज टेस्टर है। तो किसी भी घर में नॉर्मली आपके घर में ये होना ही चाहिए बिकॉज ये बेसिक नेसेसिटी वाली चीज़ें हैं। तो पहले ज़माने में थोड़े वो ऐसे गोल टाइप के आते थे टेस्टर्स, टूल किट में जैसे होते थे वैसे टाइप के, बट ये डिजिटल टेस्टर है जो काफ़ी टाइम से चाहिए था, तो मैंने ये वाला ले लिया है और ये मुझे 128 रुपीज़ का मिला है सिर्फ। तो जो सिंपल रिपेयर टूल्स होते हैं होम इम्प्रूवमेंट के लिए वो फ्लिपकार्ट पे 99 रुपीज़ से स्टार्टिंग है, तो यू कैन चेक दैट आउट एज वेल। नाउ नेक्स्ट प्रोडक्ट होम इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड है और ये नॉर्मल मेजरिंग टेप है और ये 5 मीटर लॉन्ग मेजरिंग टेप है, इस तरीके से नॉर्मल बेसिक मेजरिंग टेप, बट आई थिंक ये हर घर में होना चाहिए बिकॉज छोटी छोटी चीज़ों में ज़रूरत पड़ते रहती है, यू नेवर नो। तो इट्स काइंड ऑफ होम असेंशियल एंड आपके क्रिएटिव कॉर्नर को रीडिफाइन करने के लिए ऐसे प्रोडक्ट की ज़रूरत पड़ती रहती है डेली लाइफ में, तो फ्लिपकार्ट पे ऐसी चीज़ें 149 से स्टार्ट है। नाउ नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है वो है ये, लेट मी टेक इट आउट। तो मैंने ये लिया अपने मनी प्लांट के लिए, मैं इंडोर रखना चाहती थी एक प्लांट में लगा के, तो उसको पॉट में लगा के तो उसको हाइट मिल जाएगी अच्छी, प्लस इस टाइप की बॉस्टिक में ना वो अच्छे से ग्रो होते हैं और काफ़ी उनकी लीव्स भी अच्छी बड़ी होती है बिकॉज उनकी मनी प्लांट में जो है उसकी नॉट्स पे भी रूट्स होती है, तो वो भी यहाँ उनको ग्रो करने का ऑप्शन मिलता है। मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ बट मेरी पॉइंट समझो, बट द प्रॉब्लम इज़ कि मैंने सेट ऑफ 2 लिए थे और मुझे सिर्फ एक ही रिसीव हुआ है। ये सेट ऑफ 2 थे 331 रुपीज़ के, तो मैंने कस्टमर केयर से बात कर ली है, ये एक्सचेंज हो जाएगा इजीली। तो फ्लिपकार्ट पे ना इजी एक्सचेंज है, रिटर्न रिफंड सब बहुत इजी है। तो बेसिकली इट इज़ बेस्ट वैल्यू फॉर मनी प्लेटफॉर्म विथ मोर देन 10 लाख प्लस प्रोडक्ट्स। नाउ द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज़ होम असेंशियल, होम इम्प्रूवमेंट रेंज है ये। तो ये एक टूल किट है, लेट मी शो यू। तो ये बॉक्स में इस तरीके से काफ़ी वेल ऑर्गेनाइज रहेगा और इस तरीके से बॉक्स ओपन हो जाएगा, तो इसमें ये इस तरीके से जाएगा सबसे पहले और आपको इसको लॉक करना है, ये ओपन हो जाएगा और आप फिर इसको डाल के इसको लॉक कर सकते हैं एंड इसके बाद आपके पास सारी ये अटैचमेंट है और इसके नाम भी लिखे हुए हैं पैकेट पे
और आपको जो भी अटैचमेंट की ज़रूरत है वो आप इसमें लगा दीजिए और आपका स्क्रू ड्राइवर रेडी हो जाएगा। तो ये आपकी पूरी स्क्रू ड्राइवर की किट रेडी है, काफ़ी वेल मैनेज्ड है, ऑर्गेनाइज्ड है, आपको जो भी चाहिए जहाँ भी चाहिए एक साथ है एंड काफ़ी कॉम्पैक्ट पैकेजिंग में है। आपको बहुत सारा स्क्रू ड्राइवर अपने पास रखने के लिए ज़रूरत नहीं है। तो आई थिंक ये हर घर में होना चाहिए, दिस इज़ वेरी असेंशियल और ये बहुत बेस्ट ऑप्शन है और ये मुझे मिला था 299 रुपीज़ का। तो ऐसे होम इम्प्रूवमेंट रेंज के प्रोडक्ट जो DIY करने के लिए भी हेल्पफुल होते हैं वो सारे 99 रुपीज़ से स्टार्ट है फ्लिपकार्ट पे। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट अगेन गार्डन से रिलेटेड है और ये लाइफ प्लांट है। ये इस तरीके के बॉक्स में आया था, इस बॉक्स में थोड़े ये ऐसे होल है ताकि एयर पास होती रहे और इस तरीके से पैक हो के आया है। ये कैक्टस है, इसका नाम मुझे याद नहीं है, मैं स्क्रीन पर डाल दूँगी एंड इस पर फ्लावर्स भी खिलते हैं। तो ये आई थिंक 100 रुपीज़ का था और इसके साथ पॉट भी है, तो इट्स गुड डील। नाउ अगेन इज़ अ लाइफ प्लांट और ये स्नेक प्लांट है और ये इस तरीके के बॉक्स में आया था। अगेन इसमें इस तरीके से होल है ताकि एयर पास ऑन होती रहे और इसके साथ मैंने जो पिक में देखा था तो मुझे लगा था पॉट भी आएगा बट पॉट नहीं था एंड साइज़ थोड़ा छोटा है जो फोटो में देखा है उसके कंपेरिजन, तो वो एक्सपेक्टेड था बिकॉज ये 99 रुपीज़ का स्नेक प्लांट थोड़े महंगे ही आते हैं। तो 99 रुपीज़ में आई थिंक इट्स अ गुड डील, पॉट भी होता तो और अच्छा होता। नाउ जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये होम ऑर्गेनाइजेशन होम इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड है। ये एस शेप के हुक्स हैं, तो ये 24 का सेट है आई थिंक और ये काफ़ी हैंडी होते हैं, कहीं भी घर में कहीं भी हैंग कर दो, कुछ भी छोटी मोटी चीज़ें हैंग करनी हो तो, जैसे मैंने अपने किचन ऑर्गेनाइजेशन वाले वीडियो में आपको उसको हैंग करके बताया था कि मैं कैसे कॉर्नर में चीज़ें हैंग कर लेती हूँ और मैं अपने वार्डरोब में भी इसे यूज़ करती हूँ अपने बैग वगैरह हैंग करने के लिए और भी बहुत तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि हर घर में होने ही चाहिए। नाउ द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज़ मेटल प्लांट होल्डर। तो आपके पास अगर बालकनी है उसमें ग्रिल है, बालकनी इनफैक्ट नहीं भी है, विंडो की ग्रिल वगैरह पे भी आप इस तरीके से इसको हैंग कर सकते हैं, इसमें पॉट रख सकते हैं। तो नॉर्मल जो प्लास्टिक वाले हैंगिंग प्लांटर आते हैं वो इतने स्टर्डी नहीं होते हैं, प्रॉपर मेटल का, इसमें आप काफ़ी बड़े पॉट भी रख सकते हैं, तो इसलिए मैंने इसको लिया है, मुझे अच्छा लगा, वैल्यू फॉर मनी है। ये मुझे मिला था 399 रुपीज़ में। और जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये होम असेंशियल से रिलेटेड है, तो ये कुछ हैंगर्स हैं, ये सेट ऑफ 10 हैं और इसमें ना वर्टिकल स्पेस यूटिलाइज करने के लिए ऐसे वाले हैंगर्स काफ़ी अच्छे रहते हैं। आप नॉर्मली अपने पैंट्स या टॉवल्स या साड़ी इस टाइप की चीज़ें इस पर हैंग कर सकते हैं। अगर आपके पास वार्डरोब में नीचे जगह बहुत बच गई है तो आप ऐसे लेयर लेयर करके इस पर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। काफ़ी टाइम से मुझे चाहिए था तो फाइनली आई गॉट इट और ये मुझे मिले हैं 300 रुपीज़ के। ऐसे मस्ट हैव होम यूटिलिटी प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट पे 99 रुपीज़ से स्टार्ट है। ना जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये गार्डन से रिलेटेड है, ये है प्लांट स्टैंड, मेटल के प्लांट स्टैंड है, दो हैं ये, सेट ऑफ 2 है। तो मैंने ये 2 फिट के हैं और मैंने ये 2 अलग अलग इसलिए लिए हैं क्योंकि कोई भी जगह हो वहाँ एडजस्ट हो जाता है। अगर मैं एक ही लंबा 4 फिट का ले लेती तो आगे अगर मेरी बालकनी, अगर मैं कोई और घर में शिफ्ट हूँ, बालकनी मेरी छोटी है, मुझे कहीं और रखना है, तो मैं सिर्फ 4 फिट वाली जगह में ही रख सकती हूँ। बट मैंने 2 फिट के 2 लिए हैं तो मैं आराम से जगह एक्सचेंज कर सकती हूँ, एडजस्ट कर सकती हूँ। अगर मुझे साथ में रखना है तो साथ में रख सकती हूँ, अलग अलग रखना है तो अलग अलग रख सकती हूँ। और ये मुझे काफ़ी अच्छी डील में मिला है, ये 599 के 2 हैं, प्रॉपर मेटल के हैं, काफ़ी स्टडी हैं, तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट डील और आई थिंक ये मेरे फेवरेट परचेस हैं इस पर्टिकुलर हॉल वीडियो के। सो आपको कौन सा प्रोडक्ट सबसे अच्छा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए एंड आगे आप किस टाइप के वीडियो देखना चाहते हैं मुझे बताइए। अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट है लाइक DIY मेकओवर हॉल वीडियो या एनीथिंग एल्स, आप जो भी देखना चाहते हैं मुझे बताइए। कोई डाउट है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लो, इस वीडियो से रिलेटेड या ओवरऑल इन जनरल कुछ भी डाउट है यू कैन आस्क मी। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, बेल आइकन, शेयर, लाइक, वो सब कर लो एंड आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। सी यू सून हेयर, टिल देन बाय बाय।